हेलो गाइस, मेरा नाम है आदर्श। तो बात कर लीजिए, जो एप्पल के सीईओ टिम कुक है, उनका यह कहना है कि अगर आपको साइड लोड करना है तो आप आईफोन परचेस ना कीजिए। तो साइड लोड होता क्या है और आईफोन्स वाले इसे अलाउ क्यों नहीं करते, इसका रीज़न क्या है, आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर आरम्भ करते हैं। तो बात कर लीजिए, अगर आप एक एंड्रॉइड यूज़ करते हो तो आपको उसमें प्ले स्टोर देखने को मिल जाता है, उस जगह पे अगर आप एक एप्पल डिवाइस यूज़ करते हो तो उसमें आपको ऐप स्टोर देखने को मिल जाता है। और प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में दोनों जो ऐप्स होते हैं वो पूरी तरह से ट्राइड और टेस्टेड होती हैं, इसमें आपको किसी तरह का मालवेयर, स्पाईवेयर या वायरस देखने को नहीं मिलता। हालांकि भाई टाइम टू टाइम इसे चेक भी किया जाता है, अगर कुछ इसमें दिक्कत देखने को मिलता है तो आप देखते हो भाई गूगल की तरफ से कितने सारे ऐप्स टाइम टू टाइम बैन भी कर दिया जाता है, प्ले स्टोर से हटा भी दिया जाता है। तो अगर आप जो ऐप अगर इनके जो ट्रस्टेड ऐप स्टोर्स होते हैं अगर वहाँ से आप डाउनलोड कर रहे हो तो आपका फ़ोन कुछ हद तक सिक्योर ही रहता है। एंड्रॉइड की तुलना में भाई एप्पल का जो फ़ोन्स होते हैं वो सिक्योर माना जाता है, बहुत ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। हालांकि भाई चाइना में उसमें भाई एक बंदे ने 15 सेकंड, एक छोटे से बच्चे ने 15 सेकंड में आईफोन 13 प्रो को हैक कर लिया था, वो अलग की बात है। हालांकि वो जो ब्रीच है, वो जो लूप होल था, वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया। लेकिन नो डाउट बात कीजिए भाई, एप्पल्स के फ़ोन होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिक्योर होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्यों होते सिक्योर, इसका एक ये भी रीज़न निकल गया जाता है, इसमें आपको कोई भी साइड लोड करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता। साइड लोड क्या होता है कि अगर एंड्रॉइड में आप प्ले स्टोर के अलावा दूसरी जगह से कि गूगल पे डायरेक्ट जाके आप कोई भी चाहिए एपीके वहां पे आप लिखिए, सिंपली आपको एपीके फाइल देखने को मिल जाएगा, क्रेक वर्जन देखने को मिल जाएगा, आप सीधा डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। लेकिन उसी जगह पे एप्पल्स के फोन में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो ऐप स्टोर पे अवेलेबल है सिंपली आप खाली वही डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी अलग से गूगल से एपीके फाइल डाउनलोड नहीं कर सकते, कोई भी वीडियो डाउनलोड नहीं कर सकते, कोई भी म्यूजिक फाइल भी डाउनलोड नहीं कर सकते हो। तो भाई साइड लोड करने से क्या होता है, भाई जो ऐप्स होते हैं वो क्रैक किए होते हैं, उनके जो क्रिएटर्स होते हैं या फिर जो डेवलपर्स होते हैं उन्हें भाई मॉडिफाई करके रखा हुआ होता है। भाई क्या पता उसमें कोई स्पाईवेयर डाल दे, मैलवेयर डाल दे, वायरस डाल दे, तो इससे आपका फ़ोन हैक होने का, फिर आपके फ़ोन की जो सिक्योरिटी होती है वो ब्रीच होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन उस जगह पे भाई आईफोन्स में या क्योंकि एप्पल्स के फ़ोन में ऐसा कोई सिस्टम्स ही नहीं होता है, आपको जितना दिया गया है आपको उतना ही करना है और इससे आपका फ़ोन सिक्योर बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि आईफोन्स में फ्रीडम जितनी कम होती है उतना ज़्यादा फ़ोन वो सिक्योर होता जाता है। लेकिन भाई एंड्रॉइड तो भाई बहुत ज्यादा फ्रीडम, यानी खुले साड़ की तरह छोड़ दिया गया है, तुमको जहां जाना है तुम वहां जाओ, तुमको जो करना है वो करो। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो नो डाउट एंड्रॉइड भी सिक्योर है, लेकिन भाई एंड्रॉइड यूजर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एक साइट लोड डाउनलोड कर रहे हो या फिर कहीं भी वेबसाइट से कुछ भी डाउनलोड कर ले रहे हो तो भाई आपके हैक होने के चांसेस, आपके फोन में वायरस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। टिम कुक का यही कहना है कि अगर आपको साइट फाइल डाउनलोड करना है तो सिंपली आप एंड्रॉइड का यूज कीजिए, एप्पल का यूज ना कीजिए, क्योंकि अगर हम एप्पल में ऐसा सिस्टम दे देते हैं तो भाई इसकी जो सिक्योरिटी के हम चर्चे करते रहते हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब आप खुद ही देखिए भाई, एक हल्का सा क्या है चाइनीज हैकर ने है क्या कर लिया, भाई हर जगह इनकी जो है बदनामी होना स्टार्ट हो गई। हल्कि बात कीजिए भाई, इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है कि अब आईफोन आपको परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आई बटन में जाइए, वो वीडियो आप वॉच कर सकते हो। यानी ओवरऑल बात की जाए इनका यही कहना है, और साइड लोड इसे ही कहा जाता है। मैं आपको रिकमेंडेड भी करूंगा कि जहां तक हो सके आप साइड लोड करने से बचें, आप सिंपली आप प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करें, कोई भी थर्ड पार्टी एपीके अननोन सोर्स से डाउनलोड ना करें, जिससे आपका फोन में हैक होने का, वायरस होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं, एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।